हम डिजाइनर धोती सलवार की ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे। धोती सलवार का फुल लेंथ 38 इंच, वेस्ट 32 इंच, हिप 36 इंच, बॉटम 12 इंच। इसी नाप के अनुसार हम डिजाइनर धोती सलवार की ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे। सबसे पहले हम लेंथ निकालेंगे। लेंथ निकालने का फार्मूला, फुल लेंथ प्लस सीम अलाउंस। इस सलवार में हम किसी प्रकार के टर्निंग ऐड नहीं कर रहे हैं, इसमें सिर्फ सीम अलाउंस होगा। इसमें पोछे अलग से लगेंगे और बेल्ट लगेगी। वो कैसे लगेगी आप यहां आगे देखिए। फुल लेंथ हमारी 38 इंच है, प्लस सीम अलाउंस इसमें ऐड करेंगे हम 1 इंच। 1 इंच सिर्फ आधा इंच हमारा जब बेल्ट को अटैच करेंगे और आधा इंच हमारा पोछे को अटैच करने के लिए चाहिए, इज इक्वल टू 39 इंच। ये हम जब कपड़े पर कटिंग करेंगे हमारी फुल लेंथ इस प्रकार से हम कट करेंगे। इसमें से अब ये तो हमने निकाली कि हमारी लेंथ हमें कितनी लेनी है, 39 में से अब हम माइनस करेंगे। यहां पर जो हमारी लेंथ है उसमें से हम माइनस करेंगे बेल्ट, माइनस करेंगे बॉटम। बॉटम यानी जो हम पोछे बनाते हैं, सिंपल साधारण सलवार होती है उनमें हम पोछे बनाते हैं, उसी तरीके से हम यहां पर बॉटम माइनस करेंगे। लेंथ हमारी यहां 39 इंच है, 39 इंच माइनस बेल्ट 1 इंच, बॉटम 6 इंच। बॉटम अगर आप यहां 7 इंच रखना चाहते हैं, 5 इंच रखना चाहते हैं, उतनी ही यहां पर ऐड कर सकते हैं। बेल्ट कम ज्यादा कर सकते हैं, 2 इंच की बेल्ट लगाना चाहते हैं 2 इंच लगा सकते हैं, 1 इंच की तो 1 इंच, इसमें आप कम ज्यादा अपने हिसाब से रख सकते हैं। बेल्ट अगर 4 इंच की भी आप रखना चाहें वो भी रख सकते हैं। तो 4 इंच माइनस करेंगे यहां पर, ये हमारी जो लेंथ थी इसमें से हमने 1 इंच माइनस किया और 6 इंच माइनस किया, 39 माइनस 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 32 इंच। ये हमारी जो सलवार की लेंथ होगी वो, ये हमारे बॉटम की जो पोछे बनते हैं उनकी, और ये हमारे बेल्ट बनेगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम लंबाई का और चौड़ाई का निशान लगाते हैं। इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों के ही निशान बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि एक तरीके से ही हमारा त्रिकोण बनता है। त्रिकोण बनने के बाद ही हम इसकी कटिंग करते हैं, जैसे हमारी समोसा कट पजामी सलवार आदि होती है उसी तरीके से इस पर भी हम, जैसे सिंपल धोती सलवार भी हम कट करते हैं वो ऐसे ही करते हैं, इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले लेंथ लेनी है। लेंथ हमें यहां पर, ये हमारी विड्थ है और ये हमारी लेंथ है। हमेशा याद रखना है कि लेंथ जितनी हमें ये तैयार करनी है उससे ज्यादा ही लेनी है। इसमें हमें, क्योंकि जब टर्न करते हैं तो इसमें वेस्ट के लिए और पोछे के लिए जब हम निशान लगाते हैं तो हमारी लेंथ और विड्थ में कम हो जाता है। तो यहां पर हमें करना क्या है, आप 45 इंच टू 50 इंच तक लेंथ और विड्थ इक्वल लेके इसको टर्न करेंगे, मोड़ेंगे, फोल्ड करेंगे, जैसे भी आप करते हैं। ये हम चारों ही रेखा, ये चारों इक्वल होनी चाहिए और जो हमें लेंथ तैयार करनी है उससे ज्यादा ही हमें कपड़ा लेंथ वाइज और विड्थ वाइज फोल्ड करना है। अब ये हमने विड्थ वाइज निशान लगाए हैं, ये हमारी विड्थ वाइज है और ये हमारी लेंथ है। ये हमारा एक ही पीस में, इसको हम एक ही पीस में रखेंगे। ये हमने लेंथ ले ली है और ये हमने विड्थ ले ली है। ये इस तरीके से हमने एक ही लेयर में अपना कपड़े की लेंथ और विड्थ रखनी है। वो लेने के बाद किसी भी एक कोने को, चाहे इसको किसी भी एक कोने को उठा करके दूसरे कोने पे लेके जाना है। ये मान लीजिए हमने यहां से कोना उठाना है और यहां लेके आना है, तो इस तरीके से हमारे सामने ट्रायंगल बनेगा।
ये हमने लेंथ ली, ये विड्थ ली और फिर हमने इसको फोल्ड किया, ये हमारी फोल्ड साइड हो जाएगी। ये हमें इसमें इस सलवार में यही ध्यान रखना है कि हमें लेंथ और विड्थ लेनी है और फिर उसको हमने फोल्ड करना है। ये हमारी फोल्ड साइड है, जब हमने इसको उठाया इसके ऊपर रखा तो ये हमारी फोल्ड साइड हो गई। ये वन लेयर है, अब ये हमारी फोल्ड करने के बाद हमारी टू लेयर हो गई। अब हमें यहां पर हिप डिवाइड बाय थ्री, 36 को 3 से डिवाइड करेंगे 12 इंच, या वेस्ट का हाफ प्लस 1 इंच। वेस्ट हमारी 32 इंच है, 32 का हाफ किया 16 इंच, प्लस 1 किया 17 इंच। ये दोनों ही फॉर्मूले हम कमर को निकालने के लिए करेंगे क्योंकि ये हमारे दो पार्ट है हमारे, तो इस पर हम कमर का निशान लगाएंगे। हिप डिवाइड बाय 3, जितनी भी हिप है उसको 3 से डिवाइड करके आगे आएंगे, हम यहां निशान लगाएंगे 12 पे, या इधर भी हम 12 पे लगाएंगे इसी फॉर्मूले के अनुसार, या फिर ये यहां हम जो विड्थ का निशान लगाएंगे ऐसे, वो होना चाहिए हमारा 17 इंच। 1 इंच प्लस किया हमने, आधा आधा इंच हमारा सिलाई में जाता है और 16 इंच हमारी, 32 इंच हमारी जो वेस्ट है उसके हिसाब से 16 इंच हमारी विड्थ कमर की रह जाती है। ये हो गया, ये जो हमने यहां से यहां तक 12 इंच पर निशान लगाना है, ये यहां से यहां तक, या फिर हम ये वाले जो हम अभी आपको यहां निशान लगाएंगे, ये 12 को 12 से इस तरीके से मिलाना है, ये जो मिलाएंगे ये 17 इंच होना चाहिए। अब हमें इसकी हल्की सी गोलाई कर देंगे, ये 12 इंच को 12 इंच से, ये दोनों ही फार्मूले आपके सही होंगे, कैसे भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार से हल्की हल्की गोलाई करते हुए ये यहां से यहां तक आपकी 17 इंच होनी चाहिए, आधा इंच यहां से आधा इंच यहां से आपकी सिलाई में चला जाता है। ये वाला हमारा जो है ये ओपन पार्ट होता है, ये ओपन साइड है, ये भी हमारी ओपन साइड है। इधर और इधर ओपन साइड है, ये हमारी फोल्ड साइड है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ये हमारी विड्थ यहां पर हमारा यहां से यहां तक, ये जब हमने ये फोल्ड किया तो यहां हमारी फोल्ड साइड होगी, ये वाला और ये वाला ओपन साइड है हमारा। ये हमने निशान लगा लिया, आप किस हिसाब से लगाइए या इससे लगाइए, ये हम वेस्ट के दोनों तरीके से निशान लगा सकते हैं। इसके बाद हम बॉटम का निशान लगाएंगे, बॉटम है हमारी 12 इंच, बॉटम का हाफ करेंगे प्लस 1 इंच, बॉटम का हाफ 6 इंच प्लस 1 इंच इज इक्वल टू 7 इंच। यहां से आप 32 इंच पर निशान लगाएंगे, यहां से जहां पे आपका 32 आएगा वहां आप 7 इंच का निशान लगाएंगे बॉटम का। जितना निशान यहां लगाया उतना ही निशान आप यहां लगाएंगे, ये भी हो गया बॉटम का। ये थोड़ी सी जो हमने सिंपल धोती सलवार सीखी है उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, इसमें ये वाली जो हमारी ये फोल्ड साइड है ये हमारी गिदरी की रेखा होगी, जिस तरीके से हमारा ये ऐसे, ये हमारी गिदरी है, यहां पर ये बॉटम बनेगी, यहां बेल्ट लगेगी, ये जो फोल्ड साइड है वो हमारी यहां आ गई, यहां पर हमें किसी भी प्रकार की स्टिचिंग करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये हमारा फोल्ड साइड है, ये हमारे पोचे हैं और ये हमारी क
कमर है। इसके बाद हम यहाँ पर बेल्ट का निशान लगाएंगे। बेल्ट के लिए हमने यहाँ पर बेल्ट की जो लेंथ है, बेल्ट की लेंथ हमने माइनस की 1 इंच। जितनी बेल्ट की लेंथ माइनस करेंगे उतनी ही हम यहाँ पर बेल्ट की लेंथ लेंगे। ये हमने बेल्ट की लेंथ के निशान लगाए हैं। ये बेल्ट की लेंथ के निशान लगाने के बाद जो विड्थ लेंगे वो कैसे लेंगे, बेल्ट विड्थ वेस्ट का हाफ प्लस 1 इंच। बेल्ट की जो हम चौड़ाई लेंगे वो हम लेंगे अपनी कमर के अनुसार। वेस्ट का हाफ लेंगे, वेस्ट जितनी भी है हमारी वेस्ट का हाफ प्लस 1 इंच। वेस्ट का हाफ हमारा हुआ 16 इंच प्लस 1 इंच इज इक्वल टू 17 इंच। जो हमारी यहां से यहां तक हम विड्थ लेंगे ये होगी 17 इंच। ये हमारी फोल्ड साइड है, ये हमारी जब हम इसको ओपन करेंगे हमारी 34 इंच होगी। 2 इंच इसमें हमारी जो साइड की सिलाई में चले जाते हैं और 1 इंच इसमें हमारा जो दोनों में ही आधा इंच की लूजिंग होती है। ये फोल्ड साइड है और ये वाली ओपन साइड है। ओपन साइड ये हमारी बेल्ट है, 1 इंच हमने यहां पर लेंथ में माइनस किया था तो 1 इंच की ही हम यहां पर बेल्ट के निशान लगाएंगे। ये हमारी बेल्ट हुई। अब इसमें हमने जो पोच्चे माइनस किए 6 इंच के वो बनाने हैं। पोच्चे हम इसमें डबल करके बनाते हैं। 6 इंच हमने यहां पर तैयार करना है पोच्चा, तो उसके लिए जो हम पोच्चे की लेंथ लेंगे 12.5 या 13 इंच। 12.5 या 13 इंच हम किस लिए लेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा सीम अलाउंस में भी चला जाता है। लेंथ हमने रखनी है पोचे की 6 इंच और विड्थ रखनी है 14 इंच। 14 इंच क्यों रखनी है, क्योंकि ये हमारा 7 इंच है। जब हम 14 इंच को फोल्ड कर देंगे तो ये हमारा 7 इंच को फोल्ड करेंगे तो ये हमारा 14 इंच विड्थ हमें रखनी पड़ेगी। यहां से यहां तक हमारी जो है विड्थ 14 इंच है। 14 इंच का जब हम हाफ करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे तो हमारी 7 इंच की चौड़ाई होगी। लेंथ हमारी होगी यहां से यहां तक, ये हमारी लेंथ है। या 13 इंच भी आप ले सकते हो। जब आप सिलाई के लिए आधा इंच रखेंगे या एक पैर का रखेंगे, जितना भी आप रखना चाहें इसमें। ये हमारी लेंथ है। इसी तरीके से यहां पर 2 पीस की जो है बॉटम कट होगी। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो देखिए आप कैसे फोल्ड करेंगे। ये हमारी लेंथ है ये वाली, और ये हमारी विड्थ है। लेंथ इस तरीके से हमने यहां से यहां तक ली है, ये विड्थ है। विड्थ हमारी यहां बॉटम की 12 इंच है और हमने यहां हाफ करके 1 इंच प्लस किया सीम अलाउंस के लिए, ये हमारा 7 इंच हो गया। तो हमने ये 7 इंच लिया, 7 को जब हम खोलेंगे तो 14 इंच हुआ, इसलिए हमने ये 14 इंच लिया है यहां पर विड्थ के लिए। जब हम इसको फोल्ड करके इसके साथ अटैच करेंगे तो ये 7 इंच ही हमारी बॉटम होगी, और इसको ऐसे फोल्ड करेंगे सेंटर से तो 6 इंच लेंथ होगी।
इसको डबल करके लगाएंगे हम। देखिए ये हमारी विड्थ है, ये हमारी लेंथ है। इसी तरीके से हमने यहां निशान लगाए हैं, ये 14 इंच है और ये 12.5 इंच। अब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे इसका हाफ कर दिया तो ये हमारा 6.2 हो गया, सवा 6 इंच हमारी ये फोल्ड करने पर लेंथ बची, 14 इंच ये। अब हम जब इसके साथ अटैच करेंगे तो ये हमारा 7 इंच। ये फोल्ड साइड है, पोचे की ये फोल्ड साइड और ये फोल्ड साइड इधर इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, ये हमारे पोचे की ओपन साइड जब हमारी यहां स्टिच होगी तो ये सिलाई हो जाएगी। इस तरीके से हमारे ये बॉटम बनेगी और टू पीस लेने हैं हमने, एक इधर का एक इधर का। ये हमारे बॉटम हुए, ये हमारी डिजाइनर धोती सलवार की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हुई।